दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। क्या मुन्नी की फैमिली की जान होगी खतरे में? क्या एक बार फिर मुन्नी लेगी मामा की मदद? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म पवन पुत्र भाईजान के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए है गुड न्यूज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। एक फिल्म जिसके डायरेक्टर कबीर खान हो, राइटर विजेंद्र प्रसाद हो और एक्टर सलमान भाई हो, तो समझ ले कि फिल्म हिट होने वाली है। बजरंगी भाईजान का 90 करोड़ का बजट था, लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 969 करोड़ था। कहा था ना, फिल्म तो हिट है। वही बजरंगी भाईजान की एंडिंग ने ऑडियंस को जिस तरह से खुशी के आंसू रुलाए हैं, उसके बाद अब विजेंद्र प्रसाद इसके सीक्वल में कितना इमोशनल करने वाले हैं, ये हमें फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए हम आपको बताते हैं कि पवन पुत्र भाईजान की कहानी में 8 से 10 साल का लीप होगा। मतलब बजरंगी भाईजान की कहानी में 8 से 10 साल के बाद से इसी कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा। अब उन 10 सालों में ऐसा क्या होगा कि भाईजान उनकी प्यारी मुन्नी से फिर से मिलेंगे? अगर बात करें मुन्नी यानी शाहिदा के कैरेक्टर की, तो 10 साल के बाद शांत मुन्नी का एक अलग चुलबुला अवतार देखने को मिल सकता है। वैसे देखो तो मुन्नी बोल नहीं पाती थी, इसीलिए वो शांत लगती थी। लेकिन अगर उसकी शरारतों की बात करें तो यही मुन्नी चिकन खाने के लिए पड़ोसी के घर तक चली गई थी और अब तो मुन्नी ने बोलना भी शुरू कर दिया है। तो 10 साल बाद हमें एक स्मार्ट लड़की जिसे बातों में कोई नहीं हरा सकता, ऐसा अनोखा रूप देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब में ऐसा क्या होगा जो मुन्नी को फिर से अपने मुंह बोले बजरंगी मामा से मदद लेने के लिए मजबूर कर देगा? वैसे तो इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि सीक्वल और भी इमोशनल होने वाला है तो हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हो सकता है कि मुन्नी का हिंदुस्तान से एक हिंदुस्तानी की मदद से लौटना कुछ लोगों को खटका होगा, जैसे कुछ लोग पहले भी पवन को जबरदस्ती एक जासूस घोषित कर रहे थे, लेकिन उनका वो प्लान फ्लॉप हो गया था, जिसके बाद मुन्नी और पवन अपने घर सेफली तो पहुंच गए थे, लेकिन क्या मुन्नी के लिए वो घर सुरक्षित था या नहीं? क्योंकि हो सकता है कि शाहिदा का बॉर्डर पर खड़े होकर एक हिंदुस्तानी को मामा कहना और जय श्री राम चिल्लाना कुछ लोगों को पसंद ना आया हो और उसकी वजह से उन लोगों ने मुन्नी और उसके परिवार का जीना हराम कर दिया हो। और ये सब इस हद तक बढ़ सकता है जहां मुन्नी के परिवार की जिंदगी खतरे में आ सकती है और कुछ लोगों की तो जान भी जा सकती है। तो ऐसे में अब मुन्नी सिर्फ एक ही इंसान को याद करेगी जिसने बिना किसी स्वार्थ के पहले भी मुन्नी की मदद की थी, और मुन्नी किसी तरह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि पाकिस्तानी रिपोर्टर है, उनकी मदद से बजरंगी तक अपनी बात पहुंचाएंगी और मुन्नी के खतरे में होने की बात सुनकर बजरंगी सब कुछ छोड़कर उसकी मदद के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस बार हो सकता है वो वीजा लगवा के पाकिस्तान जाए, क्योंकि बजरंगी भाईजान के एंड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते भी है कि लौट के जरूर आना, लेकिन इस बार तारों के नीचे से नहीं बल्कि बाकायदा वीजा का थप्पा लगवा के आना। और बजरंगी ने वापस आने का वादा भी किया, तो शायद उस वक्त किया वादा इस तरह से 10 साल के बाद पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों, आप हमें बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।